हेलो एवरीवन, आज वाली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनसाइट के जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं 2 मई के। आज वाली जो कुछ न्यूज़ है ना वो आपको कॉमन मिलेगी, जो विजन का भी 2 मई का था ना उससे कुछ, लेकिन मैं सारे के सारे बिल्कुल डिटेल में ही कवर करूँगा क्योंकि कुछ लोग होते हैं सिर्फ विजन को प्रेफरेंस देते हैं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ इनसाइट को प्रेफरेंस देते हैं। तो आज के इनसाइट वाले के अंदर हम लोग ये न्यूज़ पढ़ने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इसमें जनरली 17 स्टेट्स का एग्रीमेंट मिल गया है। जो रिसेंट 5 का जो मिला है वो ये हैं बिहार, पंजाब, यूपी, हिमाचल, दमन एंड दीव और प्लस में दादरा एंड नागर हवेली। ये आपको पता होना चाहिए कि दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली को मर्ज करके एक यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। ये जो स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम, ये जून 2019 में स्टार्ट हुई थी और इसका टारगेट जो है वो है कि जून 2020 से इसको फुली फ्लेज्ड इफेक्ट में लेके आना है। 60 करोड़ बेनिफिशरीज होंगे इसके 17 स्टेट से और यूटी से, जिनके पास एक राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी का मीडियम होगा। मतलब क्या होगा, अभी क्या होता था कि हर स्टेट का एक अपना अपना राशन कार्ड होता था डिफरेंट, अब क्या हो जाएगा पूरे कंट्री में एक सिंगल राशन कार्ड आप यूज़ करके किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो भी सब्सिडाइज आपको फूड मटेरियल या फिर और डेली बेसिस डेली यूज़ के मटेरियल मिलते हैं वो आप ले सकते हो। पहले ये स्पेशली इस चीज़ को जल्दी करने की कोशिश इसलिए की गई है क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ना, इनकी सिचुएशन को अभी देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि लॉकडाउन में ये लोग कहीं रहे होते हैं, इनका राशन कार्ड किसी स्टेट का होता है। तो मान लो कोई इंसान यूपी का है और वो मध्य प्रदेश में रह रहा है, तो मध्य प्रदेश में उस राशन कार्ड को यूज़ करके पीडीएस से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कोई बेनिफिट नहीं ले सकता है। लेकिन अब जो वन राशन कार्ड वाला स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगा तो फिर वो यूपी का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो मणिपुर का हो, किसी भी स्टेट में उसी राशन कार्ड की हेल्प से बेनिफिट्स ले सकता है सब्सिडीज़ के। अब स्कीम के बारे में अच्छा जो मैंने बता दिया वो तो यहीं पे है, बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए कि एक स्कीम से वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट उसको नहीं होना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस क्या होगी, इससे फ्रीडम मिलेगी बेनिफिशरीज़ को, वो एक ही पीडीएस शॉप से बंधे नहीं रह जाएंगे, उनकी डिपेंडेंसी शॉप ओनर्स के ऊपर नहीं रहेगी। तो मैंने आपको बता ही दिया है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। हाँ, इस राशन कार्ड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया जाएगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपकी एक नेशनल राशन कार्ड बनेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी होगा उसका। इसके लिए जो स्टेट्स वगैरह थे सबके ना डिफरेंट राशन कार्ड्स थे, किसी का डिज़ाइन अलग था, किसी का पैटर्न अलग था, तो सभी से सजेशन लेके फिर इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाएगा। तो उसमें बाईलैंग्वेज होगा, 2 लैंग्वेजेस होंगी, इसमें से एक तो आपको कंपल्सरी रखनी है, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश में से एक तो आपको ये रखनी है। इसके अलावा जो दूसरी लैंग्वेज होगी वो आप अपनी कोई लोकल लैंग्वेज रख सकते हो। सपोज़ कोई इंसान केरला से है तो एक उसकी मलयालम रख सकता है और उसके अलावा दूसरी जो लैंग्वेज होगी हिंदी या इंग्लिश में से वो चूज़ कर सकता है। फिर इसके ऊपर कोडिंग होगी, जो आपका यूनिक आईडी होगा वो 10 डिजिट का कोड होगा, जिसमें पहले 2 डिजिट होंगे जो वो स्टेट के कोड होंगे, नेक्स्ट 2 डिजिट्स जो होंगे वो रनिंग राशन कार्ड नंबर होंगे, और उसके अलावा जो सेट होगा अदर नंबर्स का जो डिजिट का सेट होगा 2-2 का वो राशन कार्ड के नंबर होंगे जो कि यूनिक आईडीज़ क्रिएट करेंगे। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, मेजरली 3 चैलेंजेस देखे गए हैं कि इससे करप्शन बढ़ जाएगा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का था वन नेशन वन राशन कार्ड से, इसमें ऑलरेडी भी करप्शन था और वो अब बूस्ट हो जाएगा। ये जो स्कीम है ना इससे कॉमन मैन के वूज का मतलब होता है संकट, समस्या, वूज का मतलब होता है संकट, तो कॉमन मैन के जो संकट हैं थोड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि मिडल मैन वगैरह इन्वॉल्व हो जाएंगे, करप्ट पीडीएस शॉप्स हो जाएंगे वो उनको एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। तमिलनाडु ने कहा है कि आप इस स्कीम को मत लेके आइए, इससे फेडरलिज्म को खतरा है। फेडरलिज्म का मतलब डिवीज़न ऑफ पावर्स का, कि स्टेट में और सेंटर में पावर का डिवीज़न हो, लेकिन इससे सारी की सारी पावर जो है वो सेंटर के पास चली जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये मैंने विजन वाले में एक्सप्लेन किया था, 2 टाइप की स्कीम्स होती हैं, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंटर सेक्टर स्कीम, SE लिख देते हैं इसको। ये वाली जो स्कीम है ना हमारी, ये वन राशन कार्ड वाली, ये हमारी सेंटर सेक्टर स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड। सेंटर स्पॉन्सर स्कीम का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मनरेगा हो गया, MNREGA। इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होती है ना उसमें उसमें जो पैसा होता है ना वो सेंटर तो सिर्फ स्पॉन्सर कर रहा होता है पैसा, उसमें बेसिकली सेंटर क्या करेगा, यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, इनिशिएट कर देगी, फिर उसमें स्टेट गवर्नमेंट मिलके पैसा लगाएगी, तो स्टेट प्लस यूनियन दोनों का पैसा लगा होता है उसमें। सेंटर सेक्टर स्कीम जो होती है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का पैसा लगा होता है। तो ये जो हमारी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है ये हमारी सेंटर सेक्टर स्कीम है। ख़त्म हो गया टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। इसको हम बार बार डिनोट करेंगे AES से, क्योंकि नाम थोड़ा बड़ा है ये। एक इसको हम चमकी बुखार भी बोलते हैं। तो इसमें 3 बच्चों की डेथ हो गई है इस डिज़ीज़ के कारण। जनरली बिहार का जो मुजफ्फरनगर एरिया है, तो अब लॉकडाउन के कारण वहाँ पर इस चीज़ का डर जो है बहुत फैल गया है। हम जानते हैं ये चमकी बुखार AES होता क्या है। ये एक सिंड्रोम होता है बेसिकली, जिसको हॉस्पिटल्स ने नाम दिया था एक न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि एक ब्रेन रिलेटेड इशू है। एक ब्रेन का एक डिसऑर्डर होता है। और जैसे मेनिनजाइटिस हो गया, जो कि वायरस बैक्टीरिया से होता है। एंसेफेलाइटिस होता है, जिसको मोस्टली जापान एंसेफेलाइटिस भी बोलते हैं, वायरस से होता है जो एंसेफेली होती है। सेरेब्रल मलेरिया होता है, स्क्रब टाइफस, इन सब को मिला करके कलेक्टिवली AES बोलते हैं, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। इस डिजीज़ को जनरली जो है ये छोटे बच्चों को और यंग अडल्ट को इफ़ेक्ट करती है, जिसमें मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी यानी कि डेथ भी हो सकती है। मोर्टैलिटी बोलते हैं डेथ को, और मॉर्बिडिटी बोलते हैं अस्वस्थ होना। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है अस्वस्थ होना। ये वर्ड जो है ना बार बार न्यूज़ में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट इज सिम्टम्स का क्या होते हैं। देखो इसके जनरली क्या होगा, आपको फीवर हो सकता है, मेंटल स्टेटस में डिफरेंस आ सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है, डिसोरेंटेशन फील होगा, डेलीरियम फील होगा। डेलीरियम का मतलब होता है रेस्टलेसनेस वगैरह फील होगी आपको, ठीक है। सीजर्स आ सकते हैं, पर्सन एट एज एनी टाइम। सीजर्स क्या होते हैं, जैसे सीजर्स एक टाइप का मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपकी जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना वो बढ़ जाती है, और सडनली आपकी कॉन्शियसनेस जो होती है वो गिर जाती है। लॉस होता है कॉन्शियसनेस का, ब्रेन की मेमोरी का सडन इमीडिएटली लॉस फील करते हो आप। कुछ याद नहीं आ रहा होता उस मोमेंट के लिए, परमानेंट लॉस नहीं होता इसमें इतना। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपका फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन रिलेटेड इश्यू है। ब्रेन सिंड्रोम भी बोल सकते हो आप इसको भी। अब कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेज़ के AES के कॉजेज़ जो है ना मेजरली, तो इसका देखा गया था कि ये जापानीज़ एंसेफेलाइटिस वायरस होता है ना उसके कारण होता है 5 से 35% तक। उसके अलावा ये बैक्टीरिया से हो सकता है, फंगी, वायरस, और भी बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं इसके। और इसको देखा गया था कि अब ये लीची फ्रूट से कैसे एसोसिएटेड है और कैसे अफेक्ट करता है। अगर जो कच्ची लीची होती है ना, अनराइप लीची, उसको एम्प्टी स्टमक खाते तो आपको बहुत सारी वॉमिटिंग होती है। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिन होता है हाइपोग्लाइसिन ए मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइग्लाइसिन, MCPG बोलते हैं इसको, जिससे वॉमिटिंग होती है लार्ज क्वांटिटी में। अगर आपने इसको कच्ची लीची को खा लिया तो खाली पेट। इसमें एक अमीनो एसिड होता है, इसी कारण इसको जमैकियन वॉमिटिंग सिकनेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद सडनली आपको बहुत सारी वॉमिटिंग, उल्टी आती है। अब ये अंडर नरिश्ड बच्चों को क्यों इम्पैक्ट करती है, क्योंकि इससे ना जो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है ना वो नीचे गिर जाता है सडनली, और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ग्लूकोज लेवल नेचुरली कम होता है, इसलिए उनके ऊपर अटैक करती है ज़्यादा ये। इसमें सब वही लिखा हुआ है जो मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जैक्टली। मेजर्स क्या क्या चाहिए इसके लिए, ध्यान में रखने वाली चीज़ें क्या क्या हैं। इंक्रीज़ एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इम्प्रूव किया जाए न्यूट्रिशनल स्टेटस चिल्ड्रन का, एक मेजर्स लिए जाएँ ताकि पॉसिबल आउटब्रेक्स को कंट्रोल कैसे किया जाए। वेक्टर कंट्रोल होना चाहिए, बेटर अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए आंगनबाड़ी के थ्रू, ANM के थ्रू, इन सब तरीक़ों से। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की न्यूज़ है। ये हमारी एग्जैक्ट सेम न्यूज़ है जो आज के विजन वाले में फर्स्ट न्यूज़ आई थी, पर यहाँ पर भी हम इसको पूरा कवर करेंगे। तो एक रिसर्च और डेवलपमेंट के स्टैटिस्टिक्स एक रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया गया है कि पहली बात तो ये किसने निकाली है, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सर्वे था, 2018 तक का है ये। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन NSTMIS ने, जो कि DST के अंदर आता है। DST किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके हेड कौन है, देखो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ना उनके स्टेट मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन। ये 3 मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। ऑलराइट, बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं इसके अंदर। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जनरली ये लोग क्या करते हैं ना, ग्राफ्स वगैरह बना के देते हैं, और इसमें एनरोलमेंट कितने लोगों का हुआ था, कितने मैन पावर एंगेजमेंट थी, आपने कितने पब्लिकेशंस किए थे, ठीक है, पर्सनल पेपर्स कितने थे, पेटेंट कितने थे, उन सब की रिपोर्ट बनाता है। तो अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या क्या है, यानी कि रिजल्ट क्या क्या हैं। तो इन्होंने बोला है कि हमारा जो 2008 से और 2018 तक, यानी कि पूरे के पूरे 10 साल का जो एक्सपेंडिचर था ना हमारा ग्रोस एक्सपेंडिचर पूरा खर्चा वो 3 टाइम्स बढ़ गया है। यानी कि अगर हम पहले 100 रुपये खर्च कर रहे थे 2008 में, तो हम 2018 तक आते आते हम लोगों ने उस रिसर्च के ऊपर 300 रुपये खर्च करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि 3 टाइम्स हो गया है, 3 हो गया। फिर उन्होंने बोला कि जो हमारा पब्लिकेशन है कंट्री के अंदर उसमें इंडिया की पोजीशन 3rd पे आती है डेटाबेस में, और जो पीएचडी है साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर उसमें भी हम लोगों की पोजीशन 3rd पे है। नंबर ऑफ़ रिसर्च पर मिलियन यानी कि पर 10 लाख जो है वो डबल हो गई 2000 से 2018 तक, यानी 18 सालों में जो हमारी पब्लिकेशन थी उनका काउंट डबल हो गया है। विमेन पार्टिसिपेशन जो था एक्स्ट्रा म्यूरल R&D प्रोजेक्ट्स, एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब होता है स्पॉन्सर्ड। कुछ चीज़ें होती है गवर्नमेंट करती है, कुछ चीज़ें होती हैं बिजनेस वाले स्पॉन्सर करते हैं, तो जो स्पॉन्सर्ड वाले थे ना उसमें वीमेन का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया है। और इंडिया की जो R&D एक्सपेंडिचर था ना वो इंक्रीज़ हो गया 47.2 2017 में था, लेकिन 2007 और 8 में देखा था हम लोग 29.2 था, तो 29.2 से 47.2 हो गया। इंडिया अपने GDP का 0.7% एक्सपेंड करता है, लेकिन अगर हम ब्रिक्स कंट्रीज़ की बात करें तो उन सब में इंडिया सबसे कम एक्सपेंड करता है। हमारा इंडिया की रैंक 9th है रेजिडेंट पेटेंट फाइलिंग एक्टिविटी के अंदर, और WPIO के अकॉर्डिंग इंडिया का जो पेटेंट ऑफिस है उसकी 7th पोजीशन आती है टॉप 10 के अंदर। चाइना, हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है चाइना का सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी के बारे में। चाइना ने अपनी एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात की है, जिसको वो लोग e-RMB नाम देंगे जो उनकी है। ये उनका डिजिटल युआन होगा, मेजर इकोनॉमी का लॉन्च करना वो लोग चाहते हैं, और इसको ज़्यादा लार्ज अमाउंट्स में इशू नहीं करेंगे और ये पब्लिक के लिए यूज़ के लिए शॉर्ट टर्म में रहेगा। और इसकी जो डिजिटल करेंसी का सर्कुलेशन होगा ना इससे इन्फ्लेशन नहीं आएगा, इनका टारगेट कुछ ऐसा है। इनिशियली इसको टेस्ट किया जाएगा 3 मेजर सिटीज़ में जिनका नाम है शेंजेन, सुजो और चेंगडू। ये चाइना के 3 सिटीज़ हैं। जो चाइना का जो सेंट्रल बैंक है इसको पीपल्स बैंक ऑफ चाइना भी बोलते हैं, जैसे इंडिया का RBI है। कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो सोल इश्यूअर होगा, यानी कि ये डिजिटल करेंसी वहीं से इशू की जाएगी। और इनिशियली ऑफरिंग द डिजिटल मनी टू द कमर्शियल बैंक्स एंड अदर ऑपरेटर्स, स्टार्टिंग में इसे कमर्शियल बैंक्स को और दूसरे ऑपरेटर्स को दिया जाएगा। पब्लिक जो होगी इसको कन्वर्ट कर पाएगी मनी के अंदर अपने बैंक अकाउंट्स में, और जो डिजिटल वर्जन होगा उसको डिपॉजिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स के अंदर। अगर हम एक बिटकॉइन की आज की डेट में बात करते हैं तो एक बिटकॉइन की वैल्यू 6,88,900 समथिंग की इक्वल होती है। 6,88,930 रुपीज़ समथिंग होता है एक बिटकॉइन। और बिटकॉइन को लॉन्च किसने किया था? एक जापानीज़ पर्सन थे सतोशी नाकामोतो, उन्होंने बिटकॉइन बनाया था। कौन से ईयर में बनाया था? 2008 में बनाया था। और ये क्रिप्टो करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब CC क्रिप्टो करेंसी। ये 2 चीज़ें होती है इसमें, एक होता है एनक्रिप्शन, एक होता है डीक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि कोडिंग करना, उसे कवर कर देना, कोड कर देना। जैसे मिलिट्री के अंदर कोई भी रेडियो कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है, वो जो मैसेज होता है ना एक लोकेशन से दूसरी जगह भेजने का, वो एनक्रिप्टेड होता है, उसके ऊपर एक की लगी होती है। जब वो मैसेज दूसरे एंड पे पहुंचता है तो दूसरे एंड के ऊपर उसी की पर भी वो की अवेलेबल होती है, उसकी की हेल्प से उसको डिक्रिप्ट किया जाता है। तो उसी तरह से हमारी जो डिजिटल करेंसी होती है एनक्रिप्टेड होती है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है इसके अंदर। और अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया के अंदर RBI ने इसको बैन किया हुआ है। आगे हम चलते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसका पोटेंशियल क्या है। चाइना के जो डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोजेक्ट है DCEP, वो एज द कंट्री प्रोग्रेस टूवर्ड्स डिजिटल युआन इज़ नॉन बिगन हुआ था 2014 में। चाइना का जो डिजिटल करेंसी का प्रोजेक्ट है 2014 में बिगन हुआ था, और चाइना के जो बैंक्स हैं ना वर्ल्ड वाइड वो इसको एसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी फिजिबिलिटी को देखने की, वो अपना खुद की डिजिटल करेंसी को कैसे लॉन्च करेंगे, जब बेसिकली उनकी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी होगी। अच्छा, फेसबुक ने भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की हुई है, उसका नाम है लिब्रा। फेसबुक की डिजिटल करेंसी का नाम। अब इस CBDC के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे डिक्लाइनिंग कैश यूज़, प्लान्स फॉर प्राइवेटली ओन स्टेबल कॉइन्स, और फेसबुक की प्रपोज की हुई लिब्रा, ये भी यहाँ पे मेंशन हो गया। इंडिया के अंदर अभी ऐसे 2-3 लॉज थे इनको बैन करने के लिए कि इसी तरह की किसी भी टाइप की क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग, माइनिंग, फाइनेंसिंग जो है वो बिल्कुल बैन है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 के अंदर जो हमारा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने रिलीज़ की है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2020 की। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या क्या हैं। जो ग्लोबल एनर्जी की डिमांड है ना, वो प्रोजेक्ट हुई है 6% 2020 के अंदर, और दिस विल बी द स्टीपेस्ट डिक्लाइन हुआ है। ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये गिरा है 6%। एक्चुअली ये न्यूज़ मैंने पहले पढ़ी नहीं है, मैं पढ़ के अभी आपको ऑन स्पॉट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये जो ग्लोबल एनर्जी का जो रिव्यू आया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि ग्लोबल पूरे वर्ल्ड वाइड एनर्जी के जो डिमांड हुई है ना, वो 6% नीचे गिरी है। नीचे गिरने का बेसिक रीज़न क्या है करंटली, वो है लॉकडाउन। और इन्होंने बोला है कि ये स्टीपेस्ट डिक्लाइन हुआ है परसेंटेज पिछले 70 सालों के अंदर, और एब्सोल्यूट टर्म्स में सबसे बड़ा जो डिक्लाइन हुआ है यही हुआ है अब तक। इससे पहले इतना डिक्लाइन है क्योंकि पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट के साथ और एक्टिविटी के इंक्रीमेंट के साथ ना एनर्जी की डिमांड इंक्रीज़ होती है। सडनली हम लोगों ने एक वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन ऐसे ऑर्डर कर दिया है। इंडिया के अंदर तो ऑब्वियसली बात है 130 करोड़ लोग हैं, कितनी सारी एक्टिविटी सडनली स्टॉप हो गई है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ही जो नोट है वो आया कि क्योंकि एनर्जी की डिमांड कम हो गई है, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो एनर्जी डिमांड नीचे आ गई है। ऑल फ्यूल्स एक्सेप्ट रिन्यूएबल, जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि सोलर एनर्जी की बात हो गई, विंड एनर्जी की बात हो गई, इनके अलावा जो फ्यूल कंजम्पशन होता है, फ्यूल को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, उसकी डिमांड और उसका कंजम्पशन वो बहुत बुरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर गया, नीचे आ गया। 6% की जो डिक्लाइन है वो 7 टाइम्स ज़्यादा है जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उससे। उस टाइम पर भी कुछ डिक्लाइन हुआ था, लेकिन उस टाइम से जितना हुआ था उससे 6 टाइम्स ज़्यादा अभी हुआ है, 7 टाइम्स ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय एडवांस इकोनॉमीज़, जो एडवांस इकोनॉमीज़ जैसे यूएस की बात करते हैं हम, यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं हम, जापान हो गया, इन सब कंट्रीज़ को ज़्यादा लॉस होगा। आईएमएफ ने भी बताया था कि हमारा जो लॉकडाउन के कारण जो भी हमारा कंट्रीज़ के अंदर इकोनॉमी का लॉस होगा उसमें चाइना और इंडिया, इन 2 कंट्रीज़ को सबसे कम लॉस होने वाला है, ये आईएमएफ ने बताया था पहले ही। हमारी कंट्री की अभी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 0.2 समथिंग आई है, और बाकी कंट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। तो इंडिया एंड चाइना आर स्टिल डूइंग वेल। तो इंडिया के अंदर जो एनर्जी डिमांड है वो डिक्लाइन हुई है पहली बार में फ्रॉम द लो डिमांड ग्रोथ इन 2019 में एक डिमांड की ग्रोथ कम हुई थी। और ग्लोबल ऑयल डिमांड जो 2022 की वो तो लो आई गई। कुछ टाइम पहले आप लोगों ने सुना था कि WTI बेंचमार्क का जो प्राइस था फ्यूल का वो नेगेटिव $40 तक चला गया था, अराउंड $37 गया था, पर कुछ घंटों के लिए गया था। और जैसे ब्रेंट क्रूड की हम बात करते हैं, ब्रेंट क्रूड होता है यूरोपियन एरियाज़ के अंदर जो नदर्न सीज़ होते हैं, ओशन होते हैं, वहाँ से आता है। एक आता है ओपेक क्रूड होता है, इंडिया मेजरली ओपेक से और ब्रेंट क्रूड से लेता है, WTI से इतना नहीं लेता है। WTI यूएस के अंदर होता है, ओपेक वाला गल्फ़ कंट्रीज़ में होता है, ये ओपेक क्रूड होता है। अब ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है ना वो भी डिक्लाइन हो गई 20% ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ फुल लॉकडाउन कुछ कंट्रीज़ के अंदर। हाउएवर जो रेजिडेंशियल डिमांड है ना वो आउटवे हो गई रिडक्शन की कमर्शियल और इंडस्ट्री के अंदर। ऑब्वियसली बात है फैक्ट्रीज़ बंद है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रही है, सप्लाई डिमांड में बहुत गैप हो गया है। अब इसके बाद क्या, अब IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बताया कि लॉकडाउन जो हैं वो शॉर्टर रहेंगे, तो ग्लोबल एनर्जी की रिकवरी जो है ना वो बहुत जल्दी हो जाएगी। जो डिक्लाइन हुआ ग्लोबल एनर्जी का 2020 का ये 3.8% तक रहेगा, जो कि फिर भी 4 टाइम्स होगा किसका, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 वाला उससे। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन के बाद पहली बार जब इकोनॉमी डाउन आई थी वो 2008 में था, उसके बाद सेकेंड टाइम आई 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन। अब हम थोड़ा सा एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। IEA क्या है, 1974 में इसको स्टैब्लिश किया गया था ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ OECD। OECD क्या होता है हमारा, ये होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD में हमारे जनरली 37 मेंबर्स होते हैं, और IAEA के अंदर OECD के मेंबर्स होते हैं वही जाते हैं। तो IAEA के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं अभी करंटली 30 हैं, प्लस 8 उसमें कुछ एसोसिएशंस हैं। तो IEA का मेंबर बनने के लिए आपको कंपलसरी है कि आप OECD के मेंबर हो या नहीं हो। तो क्या इंडिया इसका मेंबर है? OECD का नहीं, इंडिया नहीं है इसका मेंबर। अब हम बात करते हैं इनका मिशन क्या है। ये इंश्योर करते हैं रिलायबल, अफोर्डेबल, क्लीन एनर्जी फॉर इट मेंबर्स कंट्रीज़ और उसके बियॉन्ड भी। इसके चार फोकस एरियाज होते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। हेडक्वार्टर्स इसके पेरिस में है, फ्रांस में। ऑब्वियसली बात है OECD के हेडक्वार्टर्स भी पेरिस में है, फ्रांस में। एस्टेब्लिश किया गया था इसको 1973-74 के ऑयल क्राइसिस के अंदर। और इसकी कंपोजिशन की हम बात करें तो 30 मेंबर्स इसमें प्रेजेंट में हैं और 8 एसोसिएशन कंट्रीज़ हैं। उनका जो भी मेंबर्स होते हैं उनका OECD का मेंबर होना कंपलसरी होता है। अब टू बिकम मेंबर कैंडिडेट कंट्री मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट इट हैज़, उनके पास क्रूड ऑयल और प्रोडक्ट रिजर्व हैं वो 90 डेज़ के होने चाहिए प्रीवियस ईयर के नेट इम्पोर्ट से, तो टू विच द गवर्नमेंट हैज़ इमीडिएट एक्सेस एंड कुड बी यूज टू एड्रेस डिसरप्शंस ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई। एक डिमांड रेस्ट्रेंट प्रोग्राम होना चाहिए जो कि नेशनल ऑयल कंजम्पशन को 10% तक रिड्यूस करता हो, क्योंकि ये लोग एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर काम करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं। लेजिस्लेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कोऑपरेट कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मेजर्स ऑन ए नेशनल बेसिस। ये बेसिकली वो सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, आपकी कंट्री के अंदर वैलिडेट करने चाहिए अगर आप लोग OECD और IAEA का मेंबर बनना चाहते हैं। तो measures are in place to ensure the capability of contributing its share of an IAEA collective actions। अब ये रिपोर्ट कौन से सबमिट करता है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रैंकिंग तो आपको याद करनी पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए सबकी, ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के ऊपर। GI टैग मिल गया कश्मीरी सैफरन को, ये आज के विजन न्यूज़ के अंदर थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ पे इन्होंने इसको बड़े मेजर में कवर किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने माइनर में कवर किया हुआ है। सैफरन जो है वो कश्मीर की वैली में वो कल्टिवेट किया जाता है। ये एक लॉन्ग थिक नेचुरल डीप रेड कलर होता है, इसका एरोमा बहुत हाई होता है। इसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें किसी केमिकल का यूज़ नहीं होता। और ये जो 3 तरह का होता है, लच्छा सैफरन, मोंगरा सैफरन और गुच्ची सैफरन। वर्ल्ड के अंदर ईरान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैफरन की प्रोडक्शन होती है और उसके बाद आता है हमारा इंडिया सेकंड पे, और इंडिया के अंदर हाईएस्ट होती है JNK के अंदर, जनरली वहीं पे होती है, उसके अलावा ऐसा कहीं पे होती भी नहीं है। नेक्स्ट आती है हमारी किसान सभा ऐप। CSIR जो है हमारा, जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली में, उन्होंने फार्मर्स को कनेक्ट करने के लिए सप्लाई चेन के लिए और फ्रेट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। फ्रेट ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है माल की ढुलाई उलाई करना, माल को इधर उधर ले जाना, फ्रेट ट्रांसपोर्ट बोलते हैं उसको। उसके लिए उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है, किसान सभा ऐप। अब इस पोर्टल के थ्रू एक सिंगल स्टॉप के ऊपर उनको एग्रीकल्चर से के जो ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं ना वो सारे वो हैंडल कर सकते हैं अपने। फार्मर को बेटर प्राइस क्रॉप्स के लिए मिल रहा होगा, मंडी डीलर के रिगार्डिंग काम होगा, फार्मर को ट्रकर्स वगैरह के बारे में काम होगा, ये सारे के सारे मंडीज़ के रिलेटेड काम, ये सारे के सारे एक ऐप में आ जाएंगे। इसका नाम है किसान सभा ऐप। अब नेक्स्ट हमारी आती है व्हाट इज़ ठिकरी फेरा। ये एक कम्युनिटी पोलिसिंग होती है जिसको पंजाब और हरियाणा में प्रैक्टिस किया जाता है। ये जो ट्रेडिशन है ये आफ्टर 2 डेकेड्स के बाद इसको दोबारा से प्रोसेस में लाया गया है। ठिकरी पहरा, पहरा की मतलब क्या होती है, कम्युनिटीज़ जो होती है ना गाँव के अंदर, जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा गांव वगैरह के अंदर जो होते हैं, गांव में एक चौकीदार होता है जो कि रात को पहरा लगाता है। तो उसमें फिर क्या होता है कि या तो चौकीदार होता है या फिर गांव के लोगों का ना डिवीज़न कर दिया जाता है कि भाई आज इस 2 घर के लोग होंगे वो पहरा लगाएंगे, आज उस 2 घर के लोग मिल के पहरा लगाए जाएंगे। तो कम्युनिटी अपने आप के अंदर एक चीज़ डिवाइड करके चलती है। तो वही ठिकरी फेरा एक पंजाब और हरियाणा के अंदर बहुत ये फॉलो किया जाता है। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस एरिया में अभी भी बहुत हो रहा होता है। अब एक है थिरुसुर पूरम, ये फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं इसको। इसका ट्रेडिशन जो है ये 200 साल पुराना है। ये जो इवेंट है इसको स्टार्ट किया गया था सक्तम तम्परन में, जो कोची के रूलर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था इसको। ये मूलम एस्टेरिज्म इन द मलयालम मंथ होता है, मेडम यानी अप्रैल मई का उस टाइम पे होता है। और वदा कुमंथम टेम्पल जो है जो कि थिरुसुर टाउन में सिचुएटेड है, ये केरला की बात की जा रही है, केरला के सारे एरियाज़ हैं वहाँ पर ही मनाया जाता है। पूरम फेस्टिवल जो होता है ना वो बेसिकली 2 ग्रुप्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन होती है जिनकी ज्योग्राफिक डिविजन्स होती है, वो है परम केवाऊ और थिरुवम्बड़ी। आई एम सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो तो। आप लोगों को ये वाले जो क्वेश्चन ना इनमें प्रीलिम्स की बात होगी तो आपको इन वर्ड के थ्रू पता होना चाहिए ये लोकेशन है, ये फेस्टिवल है, ये टेम्पल है, ये किंग है, ये क्वीन है। और न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि थिरुसुर जो प्रोग्राम है ना, वो उसके जो रिचुअल्स होंगे वो टेंपल के प्रीमाइसेस में सिर्फ एक दो गिने चुने पार्टिसिपेंट्स के कारण होंगे, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर जनरली लाखों की हज़ारों की भीड़ आपको दिखाई देती थी, लेकिन अभी न्यूज़ में करंटली इसकी जो फोटोज़ भी आई थी ना, वो भी हमने देखी थी, तो सिर्फ दो या तीन जो प्रीस्ट वगैरह थे ना, वही लोग दिखाई दिए थे। तो ये आज की न्यूज़। थैंक यू वेरी मच।